हमारी मेहनत, लगन और जज्बे को आपका सलाम मिल रहा है। हम हैं द पंचोरा न्यूज, आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। कन्नौज में छुट्टा जानवर किसानों की परेशानी का सबब बन गए हैं। पशु आश्रय केंद्रों की बद इंतजामी के चलते छुट्टा जानवर किसानों की फसल को घूम घूम कर अपना निवाला बना रहे हैं। फसल बर्बाद होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मामले में शिकायत के बाद भी आवारा जानवरों के आतंक से किसानों को निजात नहीं मिल पा रही है। नए भाई साहब, सब गाय आवारा घूम रहे, ना कोई इसकी देख, न कोई बाल, ना इसको बाड़ा है, ना कुछ की देखभाल। रात दिन हम लोग ले बाटरी रखाए रहे, तब भी गाय और सांड देवता महाराज सब खाए निच्चू करे रहे। घरे औरतें गारी देती, तुम तो खेत रखाए रहे, घरे कौन रखा भाई। हर्चे बने यहाँ साहब, कोई गौशाला ही नहीं जिसमें गाय हम लोग घेर के अंदर कर दें। अच्छा, यहाँ पे कोई गौशाला ही नहीं? कोई गौशाला नहीं। आवारा और छुट्टा जानवरों के आतंक से किसानों को निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने गांव में पशु आश्रय केंद्र बनवाए, ताकि छुट्टा जानवरों को वहां रखा जा सके और उनसे होने वाले फसल के नुकसान को बचाया जा सके। कन्नौज ब्लॉक के अलियापुर, अड़ंगपुर, चौधियापुर, कटरी आदि कई जगहों पर जानवरों ने फसल को बर्बाद कर दिया है। जब से योगी जी ने गायों को जो है वो कर दिया है, आवारा कर दिया है, तब से यहाँ पर सांड गाय आवारा घूम रहे हैं और तमाम जो है खेतों में 10-20 गायें हर खेत में घूम रही हैं। रात में, दिन में किसान बहुत परेशान है यहाँ पर। तो आप लोगों की फसलें किस तरीके से बच पाती, कितना आप लोगों को तकलीफ होती है? कोशिश करते हैं, रात रात किसान जगते हैं बेचारे, इधर उधर सब लोग, हम लोग रखाते हैं लेकिन फिर भी नहीं रखवाली हो पाती है, फिर भी साड़ा रखा जाते हैं। जिले में किसान आवारा और छुट्टा पशुओं के आतंक से परेशान है। आवारा जानवर खेत में बोए गए फसलों को अपना निवाला बना रहे हैं, जिससे किसानों की मेहनत से उगाई गई फसल बर्बाद हो रही है। फसल बर्बाद होने से किसानों की आर्थिक हालत खराब होती जा रही है। झोपड़ी धरा है, बहुत परेशान, सांड मर भर दो, बहुत सांड गई है। अच्छा, इस कड़ाके की ठंड चल रही, तो आप लोग ठंड में खेतों पर रहते हैं? क्या करें, मजबूरी रहती है, क्या करें। तो सारी फसलें जानवर चल जाते हैं? सारी चल जाते हैं, बहुत परेशान करते रात भर। छुट्टा जानवरों से फसल को हो रहे नुकसान से परेशान किसान प्रशासन से इन जानवरों पर अंकुश लगाने की गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होने और फसल नुकसान हो जाने से किसान हताश है। किसानों को उम्मीद थी कि अब उनकी फसल बर्बाद नहीं होगी, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते आवारा जानवर छुट्टा घूम रहे हैं। जिले के आला अधिकारी भी मानते हैं कि आवारा जानवर किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि अभियान चलाकर छुट्टा पशुओं को पकड़ा जाएगा। इस संबंध में सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया है, किसानों की फसल नुकसान नहीं होने दी जाएगी। द पंचोरा न्यूज़ के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचोरा न्यूज़ के साथ।